हेलो दोस्तों, मैं कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। आज हम किचन में काम आने वाली छोटी छोटी टिप जान लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अभी तक आपने मम्मी की रसोई बाई कुमुद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को टच कर लीजिएगा ताकि आप मेरी और भी सारी वीडियोज़ देख सकें। तो ये है दोस्तों बढ़िया जो हम घर में बनाते हैं, तो इसे हम लंबे टाइम तक अगर रखते हैं इस तरह तो इसमें कीड़े लग जाते हैं, तो इसे हम लंबे टाइम तक सुरक्षित सेव करके कैसे रखें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन चढ़ा लिया है और अपने गैस को जला लिया है और मैं इसे ड्राई, मुझे इसमें कुछ डालना नहीं है, मैं इसे ड्राई रोस्ट करूँगी। तो इस तरह 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लीजिए बिना ऑयल का। आपको इसमें कोई तेल भी कुछ नहीं डालना है। तो इस तरह अगर आप इसे थोड़ा सा रोस्ट करके और किसी एयर टाइट डब्बे में, ठंडे हो जाने के बाद में किसी एयर टाइट डब्बे में आप रखते हैं तो ये आपको लंबे समय तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इनमें कीड़े वगैरह लगने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। मेरी अगली टिप है कि इस तरह हम मिर्च के पाउडर को, चिली पाउडर को इकट्ठे अगर हम कूट कर रखते हैं पीस कर, या फिर मार्केट से ज़्यादा मंगवा लेते हैं, तो ज़्यादा टाइम रखने पे इसमें कीड़े लग जाते हैं, इसमें इस तरह गुलठियाँ भी बनने लग जाती है और कीड़े लग जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें 2 से 3 बूंद, जितनी आपकी मिर्च की क्वांटिटी, मान लीजिए इसमें भरकर है तो हम एक ढक्कन, छोटे ढक्कन से 1 चम्मच, यानी कि इस चम्मच से हम 1/2 चम्मच इसमें सरसों का तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और या फिर हम इसमें, आप देख सकते हैं 5 से 6 ये है लौंग है तो इसे हम डाल देंगे, इसकी वजह से भी हमारा मिर्च सेफ रहेगा, इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। मेरी अगली टिप है कि हम प्याज और आलू को लंबे समय तक सड़ने से कैसे बचा कर रख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम ज़्यादातर इकट्ठे ही लेकर आते हैं मार्केट से। तो सबसे पहले तो इन दोनों को इकट्ठे हमें नहीं रखना चाहिए, इसकी वजह से भी हमारा आलू सड़ने लग जाता है। तो सबसे पहले हम प्याज और आलू को अलग अलग कर देंगे, ये मैंने अलग अलग कर दिया है। और आलू को सड़ने से बचाने के लिए हम इसमें 1 सेव, इस तरह हम इसमें, अगर हमारे पास इतनी क्वांटिटी में आलू है तो हम 1 सेव बीच में रखेंगे तो ये हमारा आलू लंबे समय तक नहीं सड़ेगा। प्याज को सड़ने से बचाने के लिए, प्याज भी हमारा सड़ जाता है गर्मियों में, तो इसे सड़ने से बचाने के लिए हम इस तरह लहसुन की, आप कलियाँ ना, इस तरह इसका पोट ही लेकर के ऐसे इसमें रखें तो आपका प्याज लंबे समय तक नहीं सड़ेगा। मेरी अगली टिप है दोस्तों कि इस तरह हमारे ग्लास एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, जब हम बर्तन धो करके एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो इस तरह कटोरियाँ भी हमारी चिपक जाती है, तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे साइडों में और इसमें भी डाल लेते हैं, इस तरह, ज़्यादा नहीं, हमें थोड़ा ही डालना है। और देखिए ये आसानी से निकल आया है, ये भी आसानी से देखिए निकल आया है। तो इस तरह ऑयल डालने से चिकनाहट होती है जिसकी वजह से ये आसानी से निकल जाता है। तो आज की टिप दोस्तों अगर आपके काम आती है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।